1971 के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में MTP 1971 भी कहते हैं। इस एक्ट के डिफरेंट प्रोविजन को जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टडी करेंगे, इनके डेफिनेशन, वर्ड्स के डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी को डिफाइन नहीं किया है कि हम किस चीज को या किससे कहेंगे कि चीज है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब हो गया एबॉर्शन। जो इंग्लिश में देखे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स एबॉर्शन, और एबॉर्शन मीन्स एब्रप्ट एंड ऑफ प्रेगनेंसी और इंटेंशनल एंड ऑफ प्रेगनेंसी, कि अचानक प्रेगनेंसी को ब्लॉक कर दिया गया, रोक दिया गया, या अचानक ही प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया गया, तो उसे क्या कहेंगे, इट इज एबॉर्शन। जो और आसान क्लोज शब्द में कहें तो रिमूवल ऑफ फिटस फ्रॉम द वोम ऑफ ए प्रेगनेंट लेडी, कि प्रेगनेंट लेडी के वोम से फिटस को रिमूव किया जा रहा है, और इंटेंशनली रिमूव किया जा रहा है या अनइंटेंशनली रिमूव किया जा रहा हो, वॉलंटरली रिमूव किया जा रहा हो या इनवॉलंटरली रिमूव किया जा रहा हो, तो उसे कहेंगे इट इज एबॉर्शन। तो एक्ट ने इसे डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने जान लिया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। और जब वर्ड यूज कर रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मींस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं किसी मेडिकल ग्राउंड पे, किसी मेडिकल रीजन के चलते, तब उसे कहेंगे इट इज ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या मेडिकल एबॉर्शन। WHO ने इस एबॉर्शन वर्ड को फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक का नाम दिया गया इंड्यूस्ड एबॉर्शन और दूसरा का नाम दिया गया स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन मतलब हुआ कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा रहा है वॉलंटरीली, जान बूझ कर, इंटेंशनली जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए तो उसे कहेंगे इट इज ए इंड्यूस्ड एबॉर्शन। दूसरा है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मीन्स प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई, एबॉर्शन हुई, बट इट वाज नॉट ए वॉलंटरली, कि वो वॉलंटरी नहीं थी, वो इंटेंशनल नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, वो अपने आप ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई विदाउट एनी वॉलंटरी एफर्ट, तो उसे कहेंगे इट इज ए स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। और इस स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का एक और नाम है, एक और वर्ड है, दिस इज दैट इज कॉल्ड द मिसकैरेज, MISCARRIAGE, मिसकैरेज। फिर WHO ने अगेन फर्दर इस एबॉर्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक का नाम दिया गया सेफ एबॉर्शन और दूसरा का नाम दिया गया अनसेफ एबॉर्शन। WHO स्टेट करता है, WHO डिफाइन करता है WHO के अनुसार, यदि कोई प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किसी अनट्रेंड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है या किसी अनसेफ प्लेस पे किया जा रहा है, मींस जहां पे मेडिकल फैसिलिटी, मिनिमम मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, और एबॉर्शन किया जा रहा है या मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, तब उस कंडीशन को कहेंगे इट इज ए अनसेफ एबॉर्शन। इन 2017 WHO ने फिर इस कैटेगरी को, डिविजन, एबॉर्शन डिविजन को चेंज किया और उन्होंने सी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक का नाम दिया गया सेफ एबॉर्शन, दूसरा का नाम दिया गया लेस सेफ एबॉर्शन और तीसरा का नाम दिया गया लिस्ट सेफ एबॉर्शन। सेफ एबॉर्शन, लेस सेफ एबॉर्शन एंड लिस्ट सेफ एबॉर्शन। यदि वो एबॉर्शन किसी ट्रेंड हेल्थ वर्कर के द्वारा किया जा रहा है और उस मेथड से किया जा रहा है जो WHO ने रिकमेंड कर रखा है, तब उसे कहेंगे इट इज ए सेफ एबॉर्शन। लेस सेफ एबॉर्शन मीन्स यदि कोई एबॉर्शन किसी ट्रेंड वर्कर के द्वारा किया जा रहा है लेकिन वो उस मेथड को यूज नहीं कर रहा है जो WHO ने रिकमेंड कर रखा है, तब हम उसे कहेंगे इट इज द लेस सेफ एबॉर्शन। और थर्ड कैटेगरी हो गई लिस्ट सेफ एबॉर्शन। लिस्ट सेफ एबॉर्शन मीन्स क्या हुआ कि कोई ट्रेंड वर्कर है और ट्रेंड वर्कर एबॉर्शन कर रहे हैं और कोई ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जो डेंजरस है, प्रेगनेंट लेडी के लाइफ के लिए रिस्की है, तब उस एबॉर्शन को नाम देंगे इट इज ए लिस्ट सेफ एबॉर्शन। एबॉर्शन कैरीड आउट बाय द ट्रेंड वर्कर बट बाय द मेथड दैट इज डेंजरस और दैट इज इनवेसिव इन नेचर दैट मे कॉज थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन, इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड लिस्ट सेफ एबॉर्शन।
इसका मतलब यह हुआ कि WHO ने ये डिसाइड कर लिया है कि आज के डेट में जो भी एबॉर्शन किया जा रहा है वह एबॉर्शन अब अनट्रेंड पर्सन के द्वारा नहीं किया जाता, वह एबॉर्शन सिर्फ ट्रेंड वर्कर के द्वारा ही किया जाता है। वो जमाना गया जब कोई अनट्रेंड पर्सन एबॉर्शन या डिलीवरी का काम करते थे। ये जो है हमारे एबॉर्शन के बारे में, एबॉर्शन क्या होती है, एबॉर्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, WHO ने एबॉर्शन को किसी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब हम अपने एक्ट पे आते हैं, दैट इज द एमटीपी 1971। इन 1960 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड, या इन 1960 पूरे वर्ल्ड में 15 कंट्रीज ऐसी थी जहां पे एबॉर्शन को लीगल माना जाता था, और उनके अलावा सभी कंट्रीज में एबॉर्शन को इलीगल माना जाता था, मींस इट इज ए क्रिमिनल एक्ट। इंडिया के अंदर 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि इस एबॉर्शन को लीगलाइज किया जाए, और डिफरेंट प्रोसीजर्स चलती रही, डिफरेंट मीटिंग्स होती रही, और लास्ट में आकर 1971 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाई जिसका नाम दिया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो इम्प्लीमेंट हुई 1972 में, एमटीपी 1971 और इम्प्लीमेंट हुई 1972 में। जब इस एक्ट को फ्रेम किया गया, जब इस एक्ट को पास किया गया या इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेनली इनके थ्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इन थ्री ऑब्जेक्टिव्स को एक लाइन में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दिस एक्ट फोकस ऑन राइट एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन, कि जो वुमेन का अधिकार है और वुमेन की जो सेफ्टी है उसके ऊपर ये एक्ट फोकस करता है, उनके हेल्थ को ये प्रोटेक्ट करता है, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, और इसी पर्पज के लिए इस एक्ट को बनाई गई जिसका नाम दिया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। यदि हम इस ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्टडी करें तो हम पूरे ऑब्जेक्टिव्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि जो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इससे पहले क्या होता था कि जो अनट्रेंड पर्सन्स थे, उस अनट्रेंड, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज थी, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको एबॉर्शन के लिए अपना राजी नहीं होते थे, वो इसको ऑपरेट नहीं करते थे। तो क्या होता था कि जो अनट्रेंड पर्सन थे इलीगली एबॉर्शन को करते थे, और उससे क्या होता था कि जो लेडी होती थी, लेडी की डेथ हो जाती थी। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया गया कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लीगलाइज किया गया कि आप मेडिकल, आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया टर्मिनेशन ऑफ द सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। दूसरा हुआ टू इंप्रूव हेल्थ ऑफ वुमेन, कि वो किसी मेडिकल रीजन में चलते हैं, उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, और उस टर्मिनेशन से क्या होगा, उनका जो हेल्थ होगा, जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो इंप्रूव होगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया टू इंप्रूव हेल्थ ऑफ वुमेन, और थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया टू कंट्रोल डेथ रेट ऑफ वुमेन ड्यू टू इलीगल एबॉर्शन या अनसेफ एबॉर्शन, कि अनसेफ एबॉर्शन से या इलीगल एबॉर्शन से जो लड़की की डेथ होती थी, वुमेन की डेथ होती थी, उस डेथ के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी 1971 इम्प्लीमेंट की। मैं वहां रिपीट कर रहा हूं तीनों ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट इज द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेकेंड वन इज द टू इंप्रूव हेल्थ ऑफ वुमेन, एंड थर्ड वन इज द टू कंट्रोल डेथ रेट ऑफ वुमेन ड्यू टू अनसेफ एंड इलीगल एबॉर्शन। ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स हो गए। 1971 से पहले जो एबॉर्शन थी या जो मेडिकल जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन थी, ये एक इलीगल एक्टिविटीज थी, मींस यदि कोई भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो इंडियन पिनल कोड के अनुसार वो पनिशेबल है, उनको कोई ना कोई पनिशमेंट दी जाएगी। अभी जो पनिशमेंट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, यदि कोई पर्सन इस टर्मिनेशन प्रोसीजर में इन्वॉल्व हो रहा है, किसी लेडी के एबॉर्शन, किसी लेडी के प्रेगनेंसी को वो टर्मिनेट कर रहा है, और तो उस पर्सन की जो सजा थी वो जेल थी, इम्प्रिजनमेंट थी, अप टू 3 इयर्स और फाइन और बोथ, मींस उनको 3 साल की सजा भी हो सकती है, उनको गवर्नमेंट कोई फाइन भी कर सकता है, और या उनको दोनों हो सकता है, सजा भी और फाइन भी। जो लेडी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रही थी उनके लिए प्रोविजन था कि उनको 7 इयर्स की टर्म जेल होंगी, मींस वो 7 साल के लिए जेल जा सकती थी, या उन्हें फाइन भी देना होता था, या दोनों।
जो पर्सन टर्मिनेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को उनके लिए 3 साल का जेल या फाइन या दोनों, और जो लेडी टर्मिनेशन करवा रही है उस लेडी को 7 साल का जेल या फाइन या दोनों। तो ये तो है हमारी पनिशमेंट। अब हम लोग जब 1971 के बाद ये एक्ट इंप्लीमेंट हो गए तो अब ये टर्मिनेशन जो है वो लीगलाइज हो गए। जो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, वो पर्सन इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक्ट ने कुछ प्रोविजंस रखा, कुछ कंडीशंस रखा कि इसी कंडीशंस में वो एक्ट लेडी अपना या लेडी अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है या डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उन फैक्टर्स को जो वुमेन के हेल्थ से रिलेटेड है। सबसे पहला फैक्टर कहा जा रहा है कि यदि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही और उससे लेडी की या वुमेन की लाइफ को थ्रेट है, लाइफ की जो रिस्की है, तो उस कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि प्रेगनेंसी के चलते लेडी को कोई ग्रेव मेंटल, कोई ग्रेव इंजरी हो रही है, उसको मेंटल या फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी है, और उस प्रेगनेंसी चलते लेडीज को कोई मेंटल या फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम इशू हो रही है, तो उस कंडीशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट कि जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा यदि वो सीरियसली हैंडीकैप्ड है, मींस उसकी डायग्नोसिस की गई है, डायग्नोसिस का पता चला कि जिस बच्चे का जन्म हो रहा है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है और उसके भी बल जन्म हुआ तो वो हैंडीकैप होगा, तो उस कंडीशन में उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, या ये प्रूव हो जाए कि बच्चा जो जन्म लेगा वो मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मल होगा, तो उस कंडीशन में भी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, यदि कोई प्रेगनेंसी रेप के चलते हो रही है तो उस कंडीशन में वो जो प्रेगनेंसी रह गई तो लेडीज के ऊपर मेंटल एक मेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी, वो साइकिल में चली जाएंगी, और उस कंडीशन में जो प्रेगनेंसी रेप के चलते है तो उसकी हम उसकी भी टर्मिनेशन की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, यदि वो प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द मैरिज वुमेन ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव contraceptives used by the married woman, कि जो मैरिज वुमेन है उनके द्वारा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की जा रही है और उसके कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर से, या हस्बैंड के द्वारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की गई उसके फेलियर के चलते यदि कोई प्रेगनेंसी रह रही है तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। मीन्स ये 5 कंडीशंस है, इन 5 कंडीशंस में किसी भी लेडी, कोई भी लेडी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं 5 पॉइंट को। नंबर 1 कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। नंबर 2, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी मे बी फिजिकली और मेंटली हार्मफुल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। थर्ड पॉइंट इज द चाइल्ड टू बी बॉर्न इज सीरियसली हैंडीकैप्ड और ही विल बी द फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल। Next one is the, fourth one is the pregnancy due to rape. And last one is the pregnancy due to failure of contraceptives. तो ये 5 conditions हैं, इन 5 conditions के चलते यदि कोई pregnancy रह रही है तो उस pregnancy को terminate किया जा सकता है, और किसके द्वारा, तो by the registered medical practitioner. अब इन conditions के अलावा जो कि ladies से related था, ladies के mental health से, ladies के physical health से, या बच्चे के जो बच्चा जन्म होना है उसके mental health, physical health से related था, ये सारी conditions हो गई। लेकिन 2 conditions और लगाई गई हैं regarding duration of the pregnancy. Means यदि वो pregnancy 12 week तक है और उस condition में registered medical, किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन है कि जो ऊपर कंडीशन बताई गई थी कि उनमें से कोई भी एक कंडीशन जहां पे अप्लाई एप्लीकेबल हो रही है, तो उस कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा, कि जो प्रेगनेंसी 12 से 20 वीक की पुरानी है, 12 वीक टू 20 वीक की है, तो उस कंडीशन में कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट की जानी चाहिए फॉर द हेल्थ ऑफ द
लेडी और पेंडेंट लेडी जो ऊपर पांच पॉइंट बताए गए हैं उनमें से कोई भी एक पॉइंट यदि लागू हो रही है उसके ऊपर तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर का ओपिनियन है तो अप टू 20 इयर्स 12 to 20 वीक्स उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट और है कि जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गए तो उसमें वुमेन की कंसेंट होनी चाहिए। मीन्स यदि वो फैमिली मेंबर हस्बैंड नहीं चाह रहे हैं कि मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए और वुमेन चाह रही है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट की जाएगी क्योंकि ये वुमेन की अपनी चॉइस है। यदि वो चाहेंगी तो टर्मिनेशन होगी और नहीं चाहेंगी तो टर्मिनेशन नहीं होगी। ओनली ऑन हर कंसेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी। दूसरा, यदि वो प्रेगनेंट लेडी की एज 18 ईयर्स से कम है, 18 साल से कम उम्र की वुमेन है तो उस कंडीशन में उनके गार्जियन की कंसेंट होनी चाहिए कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। थर्ड पॉइंट, यदि वो प्रेगनेंसी किसी लुनेटिक का है, मींस कोई पागल है, कोई मैच है, कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, कोई मेडिकल रिटार्डेड लेडी है, वुमेन है और उनके अंदर ये प्रेगनेंसी रह रही है तो उस कंडीशन में जो प्रेगनेंस लेडी है उनके गार्जियन का कंसेंट होना चाहिए कि हाँ इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे बशर्ते वो पांच में से कोई एक शर्त या कोई एक कंडीशन इनके साथ लागू हो रहा होता। अब फिर ऐड कह रहा है कि प्लेस कि कहां पे टर्मिनेशन किया जाएगा तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने एक सेंटर बनाएंगे, अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जहां पर कोई भी लेडी अपनी जाकर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये सेंटर या फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। या यदि कोई प्राइवेट पर्सन है तो उनके गवर्नमेंट से उनके पास अप्रूवल होना चाहिए और अप्रूवल मिलने के बाद वो अपने क्लिनिक में अपने नर्सिंग होम में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। 2002 में कुछ अमेंडमेंट की गई रिगार्डिंग दिस प्लेस कि कहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। उस अमेंडमेंट में यह बताया गया कि जो पहले क्या था कि कोई प्राइवेट पर्सन है अपने कोई प्राइवेट प्लेस है उस प्लेस को वो अप्रूवल चाह रहे हैं तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ता था, लेकिन 2002 में उन्होंने इस रूल को चेंज कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इस एक्ट में ये कहा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कमिटी होगी जो कमिटी ये डिसाइड करेगी कि उस प्लेस को अप्रूवल दिया जाए या अप्रूवल नहीं दिया जाए। फिर इन 2003 उन्होंने कमिटी के मेंबर्स के बारे में डिसाइड कर दिया कि ये मेंबर्स इस कमिटी के अंदर होने चाहिए। वो मेंबर है कि एक गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन होने चाहिए, एक एनेस्थेटिस्ट होने चाहिए, एक कोई भी मेंबर जो लोकल मेडिकल प्रोफेशन से हो या पंचायत से हो या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो और एक मेंबर उसमें वुमेन जरूर होनी चाहिए और ये सारे जो मेंबर्स होंगे ये सारे मेंबर्स जाकर उस प्लेस को विजिट करेंगे और देखेंगे और मिनिमम मेडिकल फैसिलिटीज या मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड अवेलेबल है कि नहीं, जो इक्विपमेंट्स चाहिए सारी इक्विपमेंट्स या मेडिसिन चाहिए सारी मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं, यदि सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस कंडीशन में अप्रूवल दे दी जाएंगी। उन पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट को अप्रेस करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अथॉरिटी है उनको अप्रेस करना होता है। फिर यहां यह भी बताया गया कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन है, जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है, वो टाइम टू टाइम इन प्लेस को चेक करते रहेंगे कि इनके पास सफिशिएंट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। एक और अमेंडमेंट की गई इन 2002 में, जो वर्ड था लुनेटिक, लुनेटिक मतलब हुआ कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन, तो वहां पे लुनेटिक वर्ड को हटा दिया गया और लुनेटिक वर्ड की जगह पर वर्ड यूज किया गया मेंटली इल। मेंटली इल मतलब जो दिमाग से कोई बीमारी है, वो पागल नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर किसी का कोई यदि प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में वो उस पर्सन को लुनेटिक मानी जाएगी, मतलब वो पर्सन भी अपना एबॉर्शन करवा सकते हैं लेकिन ऑन द कंसेप्ट ऑफ हर गार्जियन, उनके गार्जियन के कॉन्सेप्ट पे। तीसरे से हमने स्टडी किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है। अगले वीडियो में जानेंगे कि जो एमटीपी एक्ट है क्या ये रियली में अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ अमेंड किया जाना चाहिए, और उसके लिए एक अमेंडमेंट बिल भी आई है उसका नाम दिया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल
2014। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस 2014 के बारे में स्टडी करेंगे। अभी एक्ट में आया नहीं है वो, लेकिन वो बिल के फॉर्म में है, लेकिन वो अगले में जानेंगे कि वो 2014 बिल लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी और उसके अंदर इस एमटीपी में क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या परेशानी है, ताकि उस परेशानी को, उस डिबेट को रिमूव करने के लिए नई बिल को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।